तो स्टूडेंट्स आज का क्वेश्चन है सेकंड फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। एक्चुअल में अगर आप देखें तो ये इरेशनल है, लेकिन आपको प्रूफ करना है। तो इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूफ करेंगे। इट मीन्स कि हम इसको सपोज ये इरेशनल नंबर नहीं है, अगर ये रेशनल नंबर नहीं है 3 + 2√5 तो क्या है, रेशनल होगा ही होगा। तो लेट 3 + 2√5 बी अ रेशनल नंबर, ठीक है। इसको हमने एक रेशनल नंबर मान दिया। अगर ये रेशनल नंबर हो गया, इट मींस 3 + 2√5 इज इक्वल टू, एज अ डेफिनेशन ऑफ द रेशनल नंबर, इट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, एच पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। देखेंगे उसकी डेफिनेशन। अगर ये रेशनल होगा तो इस फॉर्म में होगा, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, ये डेफिनेशन होती है। अगर ये रेशनल है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। This implies, अब हम इसमें irrational वाला पार्ट यही रहने देते हैं और रेशनल वाला, जिसे थ्री अलग से देखें तो रेशनल है, इसको हम ट्रांसफर करते हैं, मतलब स्क्वायर रूट वाले को छोड़ के बाकी को हम धीरे धीरे राइट साइड में ट्रांसफर करते हैं। इट मीन्स 2√5 इज इक्वल टू पी बाई क्यू माइनस 3 हो जाएगा, क्यू दट चला गया, ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या होगा, इधर थोड़ा एलसीएम ले लीजिए, क्यू एलसीएम होगा, पी माइनस 3 क्यू होगा। अब इसके बाद आप इस 2 को भी इधर दे सकते हैं, इधर मिलेगा √5 = p − 3q/2q। ध्यान से देखिए, समझ में बात आ गई। अगर समझ में बात आ गई तो जरा इस राइट साइड को देखिए, p − 3q, P और Q क्या है, इंटीजर्स है, तो इंटीजर माइनस 3 × इंटीजर भी इंटीजर ही आएगा, अपॉन 2Q भी इंटीजर ही आएगा। इट मीन इट इज इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वेयर P एंड Q आर इंटीजर। इसका मतलब कि ये हुआ कि ये न्यूमरेटर भी इंटीजर है, डिनोमिनेटर भी इंटीजर, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है क्योंकि जीरो क्यों जीरो नहीं है, तो टोटल जीरो नहीं होगा। इट मीन्स इट इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। बट इसी के बाद इक्वल क्या है, रूट फाइव भी है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये रेशनल है, इसका मतलब ये भी रेशनल हुआ। ये कंट्रडिक्शन हो गया कि भाई हम तो जानते हैं कि रूट फाइव एक इरेशनल नंबर होगा, लेकिन प्रूफ क्या हो रहा है, रेशनल प्रूफ हो रहा है, केवल रूट फाइव की बात कर रहा हूं। और जब यहां पर कंट्रडिक्शन हो गया, मतलब विरोधाभास हो गया, विरोध किसका है, जो आपने एज्यूम किया था, इट मीन्स योर एजम्पशन इज रॉन्ग। अगर इसका गलत साबित कर देंगे, इसका मतलब है कि रेशनल नंबर नहीं होगा, और जब ये रेशनल नंबर नहीं होगा, इट मीन्स ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब हम इसी चीज को लिख देंगे, हियर पी माइनस 3q/2q इज अ रेशनल नंबर। सो रूट फाइव इज ऑल्सो इक्वल है अरेशनल नंबर, लॉजिक से निकल गया है, ठीक है ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, जो कि विरोधाभास है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन। हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं समझने में हो रही है। दोनों इक्वल हैं, दोनों का नेचर सेम होगा, ये रेशनल है, इट मीन्स ये भी रेशनल होगा, लेकिन आप जानते हैं कि रूट फाइव इरेशनल नंबर होगा, तो रिजल्ट गलत मिल रहा है, विच कंट्रडिक्ट आवर एजम्पशन, जो मेरे कथन का विरोध कर रहा है, तो मैं अपने कथन को उल्टा करूंगा, तो ये इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा।
ठीक है, कोई डाउट नहीं। इस टाइप की जो भी प्रॉब्लम होगी आपको इसी तरीके से सॉल्व करना।